कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत एही। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत एही। परम सत्कारियो गुरता गद्दी ते शुभायमान, चवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, तिना दी पावन हजूरी दा आनंद असी माणदे पए हाँ। नितां प्रति दी तरह पातशाह जी दे चरणां नाल जुड़ बैठे हाँ। ते खालसा सरजना दिवस जिदे वेच चार दिनां दे एह समागम उलीके गए हन, उन्हां दी लड़ी भी चलदी पई है। उहदे संबंध विच भी आपां कुछ कु विचारां विशा मुताबक सांझियां करनियां हन। कल दे दीवान विच सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी की रसना तो चारण किए हुए पावन शब्द विच ये विचार आप जी ने श्रवण कीतियां कि परमात्मा आप अंदर वसया होया है, पर उसनू लखना प्रगट करना औखा बड़ा है। पदार्थ परमात्मा का नाम भी परमात्मा का जिहड़ा नाम पदार्थ है वह भी इस शरीर विच मौजूद है, पर बिना गुरु के शब्द तो बगैर ना तो उसनू प्राप्त किया जा सकता है, तो ना ही प्रगट किया जा सकता है। रब की कृपा नाल गुरु का मिलाप हुंदा है ते हिदायत कीती सी मनुख नू भलिया परमात्मा का नाम सिमरन कर, एक ना एक दिन तेरे ते जरूर रहमत होवेगी। ते जड़े कहिंदे सन जी किरतकार ढिड लाया हया होया है, भुख दे पेट पिछे नहीं सिमरन हुंदा, बड़िया चिंतावां ने बड़े काम ने, उन्हां नू पातशाह जी ने फिर सहारा दिंदियां बचन कीते सन, भाई रजक की चिंता ना कर क्योंकि रब ने पहला तो ही तेरे वास्ते रिजक का प्रबंध किया होया। जन्म तो वह बाद विच देंदा है, उस तो पहला ही रिजक का प्रबंध जीव वास्ते करता है। अखीरलियां पंक्तियां च पातशाह जी ने कृपा की सी कि परमात्मा वह एडा वड्डा तू वड्डा, ऊ तू ऊचो ऊचा, तू बेअंत अत मूचो मूचा, हौ कुरबाणी तेरे मंजा नानक दास दसावणिया, तुसा सब तो वड्डे वड्डे तो वड्डे हो, मैं ताडे तो दास तो कुरबान हाँ जिहड़े ताडे दास सेवक कहाउंदे ने। अज पातशाह जी की कृपा करदे ने, आओ पहला शब्द दे पाठ नाल जुड़िए। पावन अंग 131, वाहिगुरु साहिब जी। माज महला पंजवां, कौन सुमुक्ता कौन सुजुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन करम कौन नहीं करमा,
कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिए किन बिद बिछुरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जित तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता, तन गिरहि उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हौ में बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो पाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिए मनमुख विसरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जित तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस ते होयो अनंता, नानक एकस माहि समाए जियो, एकस ते होयो अनंता, नानक एकस माहि समाए जियो। सतगुरु पातशाह जी कृपालता करन, आओ हुण बाणी दी विचार नाल जुड़िए, मनोवृत्तियां नूं एकागर करदे हां। सारे उच्चारण करो, सतनाम वाहे गुरु, सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी, तिना दी रसना तो उच्चारण किया होया ये पावन शब्द, जिसनों पातशाह जी ने माज राग दे विच गायण दी हिदायत की है। गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 131 ते सुशोभित है। गुरबाणी दे विच बड़े सवाल ते नाल उन्हां दे जवाब ने। धार्मिक ग्रंथां नूं जदों वाचदे आ ना,
बहुतियां दी हालत जां बहुतियां दे विच इंज है कि मन पढ़दा भी मनुख पढ़दा भी है समझदा भी है वाचदा भी है पर किते ना किते मन दे विच जिहड़ा शंक है वह बनिया रह जांदा है। ज्ञान हासिल करदे आं उहदे विचों सिखिया लैंदे आं जो कुछ उहनां च लिखिया होया है उहनूं पढ़दे आं सुणदे आं कुछ सवाल मन दे विच पैदा हुंदे ने ते उह मन दे विच ही सवाल रह जांदे ने। हर एक सवाल दा जवाब हर एक जवाब दे नाल तसल्ली मनुख दी होना बड़ा मुश्किल है पर सतगुर पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी दी महानता रही है। होर जिहड़े ग्रंथ ने जां मनुख तां सवाल करन तों डरदे ने कि बस ए मेरी गल मन्नी जाए पर सवाल ना गो कोई कर दवे क्योंकि सवाल नूं पैदा करना ते सवाल दा फिर जवाब देना औखा बड़ा हुंदा है। पर पातशाह कहिंदे भलियो मैं तुहानूं केवल तां केवल इहो जिहा जीवन नहीं देना चाहुंदा कि बस तुसां पढ़ी जाओ रट्टा मारी जाओ कुछ करी जाओ बल्कि पातशाह जी ने साडे विच इहो जिही चेतनता पैदा कीती साडी बुद्धि नूं होर तीखण करन वास्ते आप ही सवाल करदे ने सोचण दा समां दिंदे हन। जिस नूं समां नहीं आंदा जां जिस नूं सवाल दा जवाब नहीं मिलिया जां अपने मुताबक जो सवाल दा जवाब उहने लभिया फिर उहदी परखणी अपने जवाब दे नाल कराउंदे ने। इह वडियाई है पातशाह जी दी। कदे गुरु नानक साहब जी ने जपजी साहब दे विच अरमता च किरपालता कीती किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल। हुण इह नहीं कि पातशाह जी ने नाल दे नाल जवाब दे के उत्तर भी अपना दे दिता, इह पातशाह जी ने सवाल पाया संगतां नूं सवाल पाया लुकाई नूं कि भाई परमात्मा ते ताडे विच इक कंध है इक दीवार है उस नूं किवें तोड़ सकीदा अपनी मत मुताबक लभो। मनुख ने अपनी मत मुताबक जवाब लभे अपनी मत मुताबक उन्होंने सब काम करने शुरू किए आ गए अपने अपने जवाब लैके पातशाह जी कोल। फिर पातशाह जी तुसां कुछ सवाल सानू दिते सन असी उन्होंने जवाब अपनी मत मुताबक लभे ने किसी ने कुछ आखिया किसी ने कुछ आखिया। गुरु साहब जी तो पुछया पातशाह जी हुण तुसां आप दस दवो तुहाडी नज़रां च की जवाब है ते फिर पातशाह जी ने जवाब दिता हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नार। हर एक सवाल ते नाल जवाब दा गुरबाणी च अर्थ इहो है। सवाल बना बना के पातशाह जी ने लुकाई दे सामने रखे ताकि उन सवालों दे जवाब मनुख लभे अपने आप दे विच उद्यमी होवे ए आलसी ना बन जाए खोज करे अपने जीवन की खोज करे ज्ञान की जो दिमाग जो मस्तिष्क जो मनुख नूं परमात्मा ने बुद्धि दिती है इहदा इस्तेमाल करे। अज सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आरंभ तां सवालों तो कीती है ते सवाल जवाब बड़े समय तो शुरू तो होंदे आए ने। गुरमत दे विच गुरु नानक साहब जी नूं मैं केवल एक झात मारदे हां आपां शब्द ते आईए। जदों गुरु नानक साहब जी मटन की धरती ते पहुंचे उदों भी जदों ब्रह्मदास का नाम आंदा है उहदे नाल पातशाह जी ने विचार वटांदरा कीता चर्चा हुई है। गुरु नानक साहब जी सिद्धां दे नाल मिले सुमेर पर्वत ते उत्थे गए ज्ञान गोष्ठी विचार चर्चा सवाल जवाब होए ने प्रतख तौर ते सबूत साडे सामने है सिद्ध गोष्ठ की बाणी पढ़ के वेख लो। गुरु नानक साहब जी बटाले पहुंचे मेले दे समां उत्थे भी सिद्धां दा टोला मिलिया उत्थे भी सवाल जवाब होए ने। भाई गुरदास जी ने बड़े विस्थार नाल जिक्र भी कीता अपनी बाणी अपनी रचना च। उदों भी भंगरनाथ ने बड़े सवाल किए उदासी नूं लै के भी बाणी नूं लै के भी कि क्यों दुध विच क्यों कांजी पाई फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मथन हथ न आई। बड़े सवाल जवाब होए पातशाह जी ने बड़े सहज नाल बड़े टिका नाल जो भी मिलिया जो भी सवाल जवाब होए सारिया के जवाब बिना किसी शंके तो बड़े सहज नाल दिते ते उन्हां दे मन की तसली कराई कोई शंका नहीं रहन दिता। असल विच गुरु है ही वह है जिहड़े सारिया के शंकियां नूं दूर कर दवे।
जिहड़ा सारिआं दे संशयां नूं संकिआं नूं दूर कर सके। असल विच उही गुरु है। अज पातशाह जी ने किरपा कीती। सब तो पहला सवाब कहिंदे ने कौण सो मुक्ता कौण सो जुगता। इत्थे मैं बेनती करदे आं, जिहड़ा इस शब्द है ना अठ पदिआं दा है, इस पंक्ति तो बाद आप जी ने सीधे जिहड़ा पंजवां पदा है ना उहदे ते ध्यान देण दी लोड़ है, क्योंकि उहदे विच फिर जवाब है। चार पदिआं तक सवाल ही सवाल ने, लगातार चार पदिआं तो बाद फिर जवाब दित्ते होए ने सतगुरु पातशाह जी ने। जदों पातशाह जी ने किरपा कीती कहिंदे कौण सो मुक्ता कौण सो जुगता कौण सो ज्ञानी कौण सो भगता। उदों फिर पातशाह जी ने फिर अगे जवाब भी दिता है, इत्थे केवल आपां अखरी अर्थ करदे जावांगे, नाल आबाद विच जिहड़ियां विचारां ने निचोड़ है, सेंट्रल आइडिया तत्सार है, उहनूं आपां विचारां दा जिक्र करना है। सच्चे पातशाह कहिंदे भाई मुक्ता कौण है, सवाल कीता लुकाई दे सामने। दूजे नंबर ते जुगता, जुगता दा अर्थ है जीवस दी जीवन जुगती चंगी होवे, जिसनों जीवन दा चज होवे। कहिंदे जीवन दा चज चंगा किसदा हो सकदा है, जिहड़ा बंदा है वह बंदा मुक्ति कौन प्राप्त कर सकदा है। हाँ जी, कौन सो ज्ञानी, ज्ञानी मनुख कौन हो सकदा है, कौन असल विच ज्ञानी है, ते चंगा बक्ता संसार विच कौन है। कौन सो गिरही, गिरही दा अर्थ हुंदा है गृहस्थी। कहिंदे गृहस्थियां दे विचों चंगा गृहस्थी केड़ा है। उपरामता दी गल कीती, संसार दे विच रहिंदिआं होइआं उदास भाव निर्लेप जिहड़ा है वह निर्लेप मनुख कौन हो सकदा है। ते इस जीवन दे असल फलसफे नूं, इस जीवन की जिहड़ी महत्ता है कीमत है कि मनुखी जीवन की कीमत की है, इस कीमत नूं कौन पा सकता है। किन बिद किहड़े तरीके नाल यह मनुख बदया जांदा है, बंधना च पै जांदा है, ते किहड़े तरीके नाल मनुख बंधन तो मुक्त हो सकता है, किस तरीके नाल इस मनुख का आवागमन दूर हो सकता है। कौन कर्म, केड़ा मनुख चंगे कर्म करन वाला है, ते केड़ा मनुख है जिस नाल नेह कर्मा बंदा कर्म करदा होया नेह कर्मा भाव वाशना तो फुरनिया तो मन दे फुरनिया तो मुक्त हो जाता है। कौन सो कहे कहाए जियो, ते इस विधि नूं दस के कौन समझांदा है। संसार विच सुखी कौन है, जां दूजे लफ्ज़ां च संसार च सुखी किवें हो सकीदा है, अते कौन सो दुखिया, संसार दे विच दुखी कौन है। समाज संसार दे विच रब दे सनमुख रब दे आसरे होके कौन जीवन बतीत कर सकदा है, ते जिहड़े रब तो हीणे मनुख हन रब तो मुनकर होए मनुख हन वह कौन हन। बार बार ये जीव परमात्मा नूं मिलदा ते बार बार परमात्मा तो विछड़दा है। पातशाह जी ने फिर सवाल किया, कहिंदे उह किहड़ा तरीका है जिस नाल ये विछड़िया होया जीव परमात्मा नाल मिल सकदा है, ते किहड़ा उह तरीका है जिस नाल ये परमात्मा तो विछड़ जांदा है, किहड़ा इहदे नाल उह भाणा वरतदा है। तीजे नंबर ते किन विद कौन प्रगटाए जीओ, ये विधि नूं ये सारे जिहड़ी घटना क्रम है इस नूं प्रगट करके समझांदा कौन है। वह किहड़ा अखर है जिस अखर दे नाल जिस शब्द दे नाल इस दा दौड़दा मन टिका विच आ सकदा है। वो किस दा उपदेश है, केड़ा उपदेश है जिस उपदेश दे नाल इस मनुख नूं जिस दे मन दे विच टिका नहीं है वह मनुख भी दुख ते सुख नूं समकर जान सकदा है।
किस हस्ती की वह चाल है। चाल का अर्थ होंदा है उसकी मत, उसके उपदेश, उसकी कही हुई गल। कहिंदे किस हस्ती की वह कही हुई गल है जिस चाल दे नाल, जिस हुक्म दे नाल यह पार ब्रह्म नाल जुड़ सकता है। पाओ किस दी गल नूं इह मन लवे, किस हस्ती दी इह गल मन लवे कि इस मनुख इह मनुख दे अंदर परमात्मा नाल प्रेम पैदा हो जाए, इह परमात्मा दा नियाम ध्यान लग जाए, ते किन विद कीर्तन गाए जियो ते उस रब दे गुणा नूं गाण लग जावे। हुण पातशाह जी ने जवाब देना शुरू कीता। चार पद्यां च केवल तां केवल सवाल सन, हुण पातशाह जी कह रहे हन गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता। गुरमुख दे जिहड़े अर्थ ने उह भिन्न भिन्न तरीके नाल आए ने। कल भी बेनती कीती सी वीर जी ने, जदों गुरबाणी च आपां बचन पढ़ांगे ना, गुरमुख नूं गुरसिख नूं भी कई बारी गुरबाणी च आए। आम करके गुरमुख कहिंदे आ कि जिसदा मुख गुरु वल होवे, पर इत्थे गुरमुख दा अर्थ है जिहड़ा गुरु है। गुरु वास्ते गुरमुख शब्द आया है क्योंकि गुरु कोई हस्ती नहीं है, गुरु कोई हस्ती नहीं है। जदों आपां गुरमुख नूं इक हस्ती जाणदे आं उदों आपां गुरसिख दे अर्थ जां गुरमुख दे अर्थ कर सकदे आं जिस दा मुख गुरु वल होवे। ते जदों गुरमुख गुरु वास्ते शब्द आएगा, गुरु नानक साहब जी तो सवाल पुछया सी ना कौन गुरु किसका तू चेला, ते जे कोई कवे जी गुरु नानक साहब जी तां आप गुरु सन, उन्हां दा भी कोई गुरु है। असी तां गुरु नानक साहब जी नूं गुरु कहने आ, फिर गुरु नानक साहब जी दा भी गुरु, उह किस नूं गुरु मनदे सन। उदों साहब जी ने बचन कीते, कहिंदे शब्द गुरु सुरत तुन चेला। गुरु नानक साहब जी कहिंदे मेरा गुरु शब्द है, मेरा गुरु शब्द है। इसलिए इत्थे जिहड़े गुरमुख दे अर्थ ने हन, अर्थ हन ओह गुरमुख दे अर्थ हन गुरु। ते गुरु साहब जी कह रहे हन गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता। जिहड़ा मनुख गुरु दे नाल रहिंदा है, गुरमुख नाल जुड़ के, गुरु नाल जुड़ के मनुख मुक्ता हो सकदा है, ते गुरु दे सनमुख रह के गुरु नाल लग के ही मनुख नूं जुगता जुगती प्राप्त हुंदी है, मनुख जुगती वाला बन जांदा है। गुरु दे नाल जुड़ के गुरु दा ज्ञान ही इस मनुख नूं ज्ञानी बनांदा है। पाशा कहिंदे ज्ञानी कौन सी, ज्ञानी कौन है, कहिंदे जिस नूं गुरु दा ज्ञान मिल गया वह गुरमुख ज्ञानी है। बाणी च बचन आउंदे ने ना, बाणी तो बाद जदों भाई गुरदास जी दे कबे तांदा उन्हां ने जिक्र कीता उहदे विच, कहिंदे ज्ञानन मैं ज्ञान अर ध्यानन मैं ध्यान गुर, सगल धर्म मैं ग्रिष्ट प्रधान है। भाई सारे ज्ञान दे विचों गुरु दा ज्ञान, ते जिन्नियां समाधियां मनुख लांदा है सारे ध्यानां दे विचों ध्यान गुरु दा प्रधान है। ते इसलिए इत्थे भी गुरमुख ज्ञानी गुरु दा ज्ञान हासिल करन वाला मनुख ज्ञानी है, गुरु दे उपदेश नूं बोल के समझाण वाला चंगा बक्ता है। धन बड़भागा है ओह गृहस्थी ही बड़भागा है, क्योंकि सवाल दा पहला सवाल सी कौन सो गिरही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जी, उस जीवन की वैल्यू कौन समझदा है। ते गुरु साहब जी कहिंदे जिहड़ा गुरु दे सन्मुख रहण वाला मनुख है ना उही चंगा गृहस्थी है ते उही चंगा उदासी है। इको सवाल दे दो सवालों के इको जवाब दे विच पातशाह जी ने गल नूं मुकाया। उदासी भी चंगा उही है, गृहस्थी भी चंगा उही है जिहड़ा गुरु दे सन्मुख रहण वाला है, क्योंकि सतगुर पातशाह गृहस्थी की डेफिनेशन भी सानू देंदे ने ते उदासी भी देंदे ने, ते दोवें गुण एक मनुख के अंदर विद्यमान हन। जदों पातशाह की बाणी का जाप करते हैं उहदे च बचन मिलते ने पुन दान का करै शरीर सो गिरही गंगा का नीर। गुरु के सन्मुख रहने वाला चंगा गृहस्थी, क्योंकि गुरु ने उपदेश किया कि जे भाई जिहड़ा ग्रस्ती है ग्रस्ती एहो जिहा होना चाहिए जिवें गंगा वर्गा निर्मल निर पानी हुंदा है, ते ओ पानी मनुख तां बन सकदा जे पुन दान का करै शरीर, चंगे कर्म करदा होवे
ते दान दा अर्थ हुंदा परोपकार, लोड़वंदां दी मदद करदा होवे। एहो जी भावना मन अंदर रखण वाला मनुख श्रेष्ठ गृहस्थी बन सकदा है। ते दूजे नंबर ते उदासी, उदासी का गुरु साहब जी ने बड़ा सोहना जिक्र किया, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाणे, शब्द सुरत पौ सागर तरीय नानक नाम खाणे। गुरबाणी च पातशाह जी ने बचन किते, सर जेड़े गुरु दे जन हन, मेरे सतगुर के जन अलपत है मुकते, जो मुरगाई पंख न पीजे। के गुरु दे जेड़े जन हन वो इस तरह अलपत हन, इस तरह संसार तो निर्लेप हन, जो मुरगाई पंख ना भीजे। वो पानी च तैरदी है मुरगा भी, पानी च तैरदियां तैरदियां जदों उसका मन चाहे वो उडारी ला सकती है, उन्हों खंभां नू सुखाण दी लोड़ नहीं पैंदी, उडारी ला सकती है। इस तरह गुरु का सिख, गुरु के सन्मुख रहने वाला सेवक रहिंदा माया विच है, रहिंदा संसार विच है, रहिंदा पदार्थों के विच है, पर इसका जिहड़ा लेप है, इसका स्पर्श है, इस दे स्पर्श नाल अपने शरीर नूं प्रभावित नहीं होण दिंदा। जदों जी चाहे उडारी मार सकदा है, जां जदों परमात्मा दा सद्दा आए उदों बिना किसी हिज्जत हूरी दे, बिना किसी शिकवे गिले तों उह परमात्मा दी गोद विच जा विराजदा है। इसलिए गुरु दे सन्मुख रहण वाला चंगा गिरी ही है, गुरु दे सन्मुख रहण वाला चंगा उदासी भी है। ते पातशाह कहिंदे गुरु दे सन्मुख रहण वाला मनुख इस जीवन दी, इस जिहड़ा जीवन मिलिया है सानू, इस जीवन की कीमत जानदा है। इस कीमत नू जानना बड़ा जरूरी है, किस जीवन की कीमत की है। सच्चे पातशाह बाणी दे विच ना बड़ियां थावां ते उन्होंने कृपा की। भगत कबीर जी कहिंदे इस जन्म की मैं कीमत की लावां, लोकी तरजीह लांदे ने कदे किसे चीज़ नाल, कदे चीज़ किसे चीज़ नाल। कोई सोहना मनुख होवे तां तरजीह चन्न नाल दे दिंदे आ, जी चन्न वर्गा सोहना। कोई कीमती चीज़ होवे ते बंदा किसे कीमत ते ला के कह दिंदा जी इन्ने रुपया दी है। पर भगत कबीर जी कहिंदे शह कोई एहो जी है ही नहीं, संसार दे विच कोई एहो जिहा पदार्थ ही नहीं लभदा पिया जिस नाल तरजीह दे के मैं कह सकता हुआ कि ये शरीर की कीमत इन्नी कु है। इसलिए उन्होंने बड़ा सोहना उदाहरण दे के समझाने का यतन किया। कहिंदे मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बारंबार, ज्यो बल फन पजो फल बन फल पाके, भूएं गिरे बहुर ना लागे डार। ऐ भाई इसकी कीमत तो बड़ी दूर की गल है, कीमत नहीं लाई जा सकती। ये तो जन्म ही बड़े जन्मों तो बाद मिलता है, जिमें एक फल रुख की डाल तो टुट जाए, डिग पए धरती ते, दोबारा जतन कितिया उसनों मुड़ डाली ते लाया नहीं जा सकता। इस तरह ये जीवन है, जे ये जीवन एक बारी लंघ गया तो इसनों प्राप्त किया नहीं जा सकता। इसलिए यह मानस जन्म अमोलक गुरु साहब जी ने बाणी दे विच कहा है, मानस जन्म दुलंब, इनू दुलंब कह के संबोधित किया है। ते पातशाह जी ने इस बाणी दे विच शब्द दे आधार ते इस शरीर नू, इस जन्म नू, इस देही नू बड़ा अनमोल मनिया, अनमोल जिसकी कीमत ही कोई ना होवे। ते जेकर मनुख इस अनमोल शरीर नू, इस अनमोल देही की कीमत नू ना समझे वो किन्ना भैड़ा होएगा। यही कारण है जदों सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने खालसा जी सृजना की है ना, वो किते ना किते शरीर की वैल्यू, किते ना किते इस मनुखी देही नू कीमत विच लियाण वास्ते, इस देही की कीमत समझाण वास्ते ये जड़ा साड कौतक वरताया सी कि मनुख नू एहसास हो जाए कि भाई यह देही की है, यह शरीर की है, यह जन्म किहो जिहा है। कौन बंदा सोच सकता सी कि जे शरीर दे विच्चों, इस जन्म दे विच्चों मैं यह हो जिहा अपने अंदरों नाम प्रगट कर सकता, जां यह हो जिहा मेरे अंदर एक हस्ती, एक इहो जी पावर छुपी हुई है जिसनों प्रगट करके मैं हमेशा रहने वाला बन सकता।
मनुख शरीर लेके पैदा होया है। यह शरीर इहदे नाल ही आया है। ते जे ते सतगुर पातशाह बाणी च कहिंदे ने ना, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज। हुण जे ते देही दे रहिंदे आ, अमृत पान करके खंडे बाटे दा अमृत छके सिंह सजदा, उदो कहिंदे भाई तू हुण बंदा बंदा नहीं रहा, कल्ला मनुख नहीं रहा, बल्कि हुण तू खालसा बन गया, तेरा संबंध सीधा परमात्मा नाल जुड़ गया। ते वेख खालसे नूं कदे मौत नहीं आंदी, खालसा हमेशा अमर है। पर पातशाह जी कहिंदे बस ए देही नूं, देही दी कीमत समझण दा एक तरीका है कि मनुख नूं एहसास हो जाए मैं की हाँ। मन तू जोत सरूप है, अपना मूल पछाण। पातशाह बाणी च कहिंदे भलिया ते तों परमात्मा दी जोत है, तेरे अंदर परमात्मा ते गुण ने, तू परमात्मा दी जोत है, ते अपने मूल नूं पछाणदा क्यों नहीं, अपनी कीमत नूं जाण। ते जिस दिन मनुख नूं अपनी कीमत दा एहसास हो जाए, उस दिन ये वड्डे तों वड्डा कारनामा कर गुजरदा है। शुरुआत दे विच गुरु नानक साहब जी दे समय इस मनुख की हालत की सी, इस देही नूं धरक जणिया खणिया दे अगे ये झुकांदा सी, अपने इस जन्म की कीमत ही कोई नहीं सी। कोई जुलमी आया उसके अगे हाथ जोड़ के खड़ गया, किसी ने धक्का किया अपनी इज्जत नूं खुआर कर दिता, सब कुछ इहदे नाल जुलम होए, पर इहने कोई उंगल नहीं चुकी, कोई इसने विरोध नहीं किया। यह सहज सुभाव सारा कुछ सहारदा चलिया गया, क्योंकि इसनूं पता ही नहीं सी कि जीवन की है, इसनूं पता ही नहीं सी मनुखा देही का मकसद की है। पर धन गुरु साहिबान, धन गुरु साहब की बाणी, जिसने अनख नाल अनख इस दे विच भरी, जिसने समझाया पहली बार कि बंदिया जीवन की है, गुरु दी बाणी ने सानू फिर जीवन समझाया। जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किश खाए। जिन्हानू जीवन दी वैल्यू नहीं सी पता, वह तो इस नू अपने किसी जने खने दे अगे सौंप देंदे सन। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਖਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਟਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ कि जे मरना ही है तो फिर अपना अंदरला मार के प्रवान करके मेरे दर ते आ, मैं तेनू इहोजिहा जीवन देंगा जिस जीवन की बराबर, जिस जीवन नू कदे खत्म नहीं किया जा सकता, वह जग दे विच हमेशा हमेशा वास्ते रह जाएगा। जिन्होंने इस दे जीवन की महत्ता नू समझिया, सच्चे पातशाह जी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, जिन्होंने खालसा साजना दिवस खालसा जी सरजना की, खालसा नू प्रगट किया है, ते प्रगट करना एक ही तो बारों नहीं प्रगट हुंदा। प्रगट जिहड़ा शब्द है ना, इत्थे एक गल होर मैं कह दिया वेखो, क्योंकि विचकारों जदों टॉपिक चुकदे आ ना, थोड़ा जा मुश्किल जा हो जाता है। जदों प्रगट करदे ना किसी भी चीज़ नूं, प्रगट का अर्थ हुंदा है, इहने कि बाहरों कोई चीज़ लियांदी गई है, प्रगट का अर्थ है उत्थे ही पई सी, बस उसनूं प्रगट कीता है। बाणी विच पाशे ने बचन किते ना, कहिंदे जिहड़ा परमात्मा का नाम है जां परमात्मा भी है, काहे रेबन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। परमात्मा देही दे विच है, पर किसी ने वेखे अज तक देही दे विच परमात्मा? फुल दे विच खुशबू है, पुहप मत ज्यो बास बसत है, मुकर माहे जैसे शाई, पर वेखी खुशबू किसी ने नहीं। पर जिहड़े सियाणे ने ना, सियाणिया बंदिया ने उस खुशबू नूं प्रगट कर दिता। जिहड़ी खुशबू नजर नहीं सी आंदी, उस खुशबू नो परफ्यूम सेंट बना के लोगों के सामने ला के उन्हें प्रगट कर दिता, भाई खुशबू ये है। जिस मनुख नो परमात्मा की होंद बारे नहीं सी पता,
पाशा कहिंदे अमृत नाम इहदे विच है, परमात्मा दा नाम, परमात्मा आप ते सब कुछ इहदे विच है, जो किश पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो खोजे सो पावे। पर बिना शब्द तो, बिना गुरु तो, बिना परमात्मा दी रहमत ते प्रगट नहीं हुंदा। जिते किते भी बाणी च परमात्मा दा नाम आया, परमात्मा दे नाम, परमात्मा दे बाबत किते ए गल नहीं आई कि नाम दूरों ला के गुरु अपने शरीर विच पांदा है। किते गल नहीं आई कि परमात्मा सतवें आसमान ते बैठा है ते गुरु उत्थों लिया के फिर इस मनुख नूं परमात्मा दे दर्शन करांदा है। बार बार इस गल ते जोर दिता है बाणी ने, भाई रब तेरे विच ही है, अमृत तेरे विच है, सब कुछ शह तेरे अंदर वसदी है, बस उसनूं प्रगट करन दी जुगती आनी चाहीदी है। जिसने प्रगट कर लिया उसने परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया। इसलिए देही तां इक आम सी, पर इहदे विच जो शक्ति सी, जो पावर सी, उह पहलां इहदे च मौजूद सी, उसनूं प्रगट पातशाह जी ने कीता है, इहदे विच प्रगट कीता है। प्रगट करन दा सब तों सोहणा तरीका सच्चे पातशाह जी ने बाणी चंकित कीता है। कहिंदे वेखो, हर एक दुध दे विच घिओ है, हर एक लकड़ विच अग है, पर कदे दिखाई नहीं देंदी, कदे दिखाई नहीं देंदी। पर जदों जुगती अपनाई जांदी है, उस दुध नूं रड़किया जांदा है, जाग लाई जांदी है, उहदे विचों जिहड़ा मक्खण है, घिओ है, उह प्रगट हो जांदा है। है उहदे विच सी पर नज़र नहीं सी आंदा। लकड़ विच अग समाई हुई है पर नज़र नहीं सी आती। जदों उस नूं इक चिणग विखाई, अग प्रगट हो गई। इसे तरीके नाल सगल वनस्पत मह बै संतर, सगल दूध मह घीआ, सारयां दे विच ओह परमात्मा है।